डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। प्रिय व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में बाघ संरक्षण पर एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में बाघ संरक्षण पर 4th एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने भारत का पक्ष रखा। उनके मुताबिक प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर समुदाय बाघ संरक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू है और जन एजेंडा भारत के बाघ एजेंडा में प्रमुखता से शुमार है। अब जान लेते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। सम्मेलन का आयोजन मलेशिया सरकार और ग्लोबल टाइगर फोरम यानी GTF द्वारा किया गया। भारत इस साल के अंत में व्लादिवोस्तोक रूस में होने वाले ग्लोबल टाइगर समिट के लिए नई दिल्ली घोषणा को अंतिम रूप देने के लिए बाघ रेंज वाले देशों को सुविधा प्रदान करेगा। 2010 में नई दिल्ली में एक प्री टाइगर समिट बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें ग्लोबल टाइगर समिट के लिए बाघ संरक्षण पर मसौदा घोषणा को अंतिम रूप दिया गया था। भारत ने लक्षित वर्ष 2022 से 4 साल पहले 2018 में ही बाघों की आबादी को दोगुना करने की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर ली है। भारत के टाइगर गवर्नेंस की सफलता का मॉडल अब शेर, डॉल्फिन, तेंदुए, हिम तेंदुए और अन्य छोटी जंगली बिल्लियों जैसे अन्य वन्य जीवों के लिए दोहराया जा रहा है। भारत में 14 टाइगर रिजर्व को पहले ही अंतर्राष्ट्रीय CA या TS मान्यता से सम्मानित किया जा चुका है और CA-TS मान्यता के तहत अधिक से अधिक टाइगर रिजर्व को लाने का प्रयास जारी है। फ्रंटलाइन स्टाफ बाघ संरक्षण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और इसलिए भारत ने ई श्रम योजना के तहत प्रत्येक संविदा या अस्थायी कर्मचारी को 2 लाख रुपए का जीवन बीमा प्रदान किया है। अब नजर डाल लेते हैं भारत में बाघों की स्थिति पर। भारत दुनिया के 80% बाघों का घर है। बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम में लगभग 3,500 बाघों का फैलाव है। 2006 में 1,411 बाघ थे, जो 2018 में बढ़कर 2,967 हो गए हैं। भारत में कुल 52 टाइगर रिजर्व हैं। नवीनतम टाइगर रिजर्व राजस्थान के बूंदी जिले में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व यानी RVTR है। भारत के 5 बाघ परिदृश्य यानी टाइगर लैंडस्केप्स हैं: शिवालिक पहाड़ियां और गंगा के मैदान, सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी पहाड़ियां और ब्रह्मपुत्र मैदान और सुंदरबन। आइए जान लेते हैं ग्लोबल टाइगर फोरम के बारे में। यह बाघों की रक्षा के लिए स्थापित एकमात्र अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। भारत बाघ रेंज वाले देशों के अंतर सरकारी मंच ग्लोबल टाइगर फोरम के संस्थापक सदस्यों में से एक है और इसका गठन 1993 में नई दिल्ली, भारत में बाघ संरक्षण पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की सिफारिशों पर किया गया था। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत सरकार और ग्लोबल टाइगर फोरम यानी GTF द्वारा बाघ संरक्षण पर 4th एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।
2. भारत बाघ रेंज वाले देशों के अंतर सरकारी मंच ग्लोबल टाइगर फोरम के संस्थापक सदस्यों में से एक है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।